वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए आज हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो प्रारंभिक प्रयोग हैं उनका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट से है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लीड टू ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है कि उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ प्रिस्टले की बात करते हैं, 1733 से 1804 तक इन सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, प्रिस्टले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। ठीक है, यानी कि हरे पौधे वृद्धि के लिए हवा की बहुत ही अनिवार्य भूमिका है। और आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ऑब्जर्व्ड दैट ए कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज्ड स्पेस ए वेल जार सून गेट एक्सटिंग्यूस्ड। सिमिलरली ए माउस वुड सून सफोकेट इन ए क्लोज्ड स्पेस। ही कंक्लूड दैट ए बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर, बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलोज कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वेट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। अच्छा, देखिए क्या है कि इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और प्रिस्टले ने देखा कि जब एक बंद स्थान जैसे कि बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जैसी जल्दी ही बुझ जाती है, इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्द ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो या कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हैं जो हवा को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने के प्लांट को रखा एक मिंट के प्लांट को रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी अनवरत जलती रही, लगातार जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना दी, निम्न हाइपोथेसिस दी। वो हाइपोथेसिस इस प्रकार से है कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वेट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। है क्या कि परिकल्पना यह है कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड ए प्लांट। Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of a light the candle without burning the setup? Using a similar setup as one used by Priestley, but by placing it once
It once in dark and once in sunlight. Once in dark and once in sunlight. John Ingen House shows that sunlight is essential for plant processes that somehow purify the air fouled by burning candles and breathing animals. Ingen House, in an elegant experiment with an aquatic plant, showed that the bright sunlight, small bubbles were formed around the green parts, while in dark they did not. Later he identified these bubbles to be of oxygen, hence he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen. तो क्या है कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रीस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती और एक पौधे का प्रयोग कैसे किया होगा। याद रखें कि उस मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलने की आवश्यकता होगी पुनः उसको कुछ दिनों के बाद जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सकें कि कुछ दिन बाद वह जलेगी अथवा नहीं जलेगी। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं कि जॉन इंजन हाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का प्रयोग किया, उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा, एक बार अंधेरे में और एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। फिर क्या है कि इससे यह पता लगा कि पौधे इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। फिर क्या है कि यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा जो खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है, खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। अब क्या है कि इंजन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, जबकि जो अंधेरे में रखे पौधे थे उनके आसपास बुलबुले नहीं बनते हैं तो क्या है कि बाद में उसने इन बुलबुलों को पहचाना कि ये जो है ऑक्सीजन के रूप में की गई। इससे ये पता चला कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। ठीक है, यानी कि बात ये है कि तेज़ धूप में हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, जबकि जो पौधे अंधेरे में रखे थे उसके पास ये बुलबुले नहीं बनते हैं। तो जॉन इंजन हाउस ने अपने प्रयोग से यह पता लगा लिया कि केवल हरे भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक्सपेरिमेंट थे और इसके आगे और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रेडोफोरा पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इंगलमैन के द्वारा, और साथ ही साथ में और भी प्रयोग हैं उनको हम, जैसे के कार्नेलियस वान नील के ने जो अपना प्रयोग किया, तो हम और भी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।